लाहौर जालसाजों के निर्भय में 50 से ज्यादा जाली अकाउंट्स खुले, करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई, बैंक हुकाम बेबसी की तस्वीर, एफआईए ने बैंकों से रिकॉर्ड हासिल करना शुरू कर दिया। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का मिशन। लाहौर न्यूज के निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियां शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ। एबर्ट रोड से गंदगी के ढेरों का सफाया, अरसे से जमी धूल धुल गई, सड़क चम चम कर उठी। MD LWMC का रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। एबर्ट रोड पर बल्दिया उस्मा का तेजावजात के खिलाफ भी ऑपरेशन, सामान जब्त कर लिया। मेट्रो ट्रेन मंसूबा, खजाने पर बोझ, 10 अरब रुपए सिर्फ महाना अखराजात के लिए दरकार। हुकूमत 120 अरब रुपए सालाना के बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान एक मरतबा फिर मंसूबे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं, खाली खजाने के साथ ऐसे चौंचलों को कैसे चलाया जा सकता है। शहाना फैसले करने वालों ने पंजाब के अवाम के साथ जुल्म किया। मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं, कम से कम नुकसान की कोशिश है। महंगाई ने चकरा दिया, तनख्वाहों में इजाफा हुआ, ना ही यूटिलिटी अलाउंस मिले, एप्का मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहरीन का मुतालबा की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुस्तकिल ना करने पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन नासिरबाग में सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में नए हेड की तकरारी पर अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले में दरारें। फिजियोथेरेपिस्ट और वाईडीए के सीनियर डॉक्टर्स आपस में उलझ पड़े। डिपार्टमेंट में हंगामा आई, जिना अस्पताल मैदान जंग बन गया। मामले के हल के लिए कमेटी बना दी गई। मजदूरों का हर 6 माह बाद तिब्बी मुआयना, तहफ्फुज के लिए जिले सतह पर काउंसिल बनाई जाएंगी। हुकूमत को वर्कर्स की सेहत का ख्याल आ ही गया। सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट लाने का फैसला। बिल के तहत कारखानों, फैक्ट्रियों या काम करने वाली जगहों को बनाने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेना लाजमी होगा। मुलाजमीन को तहफ्फुज ना करने की सूरत में कैद और जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। वजीर इत्तला'आत फियाजुल हसन चौहान एक मरतबा फिर से मीडिया से उलझ पड़े। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफी के सवाल करने पर सीख पा, मीडिया को तमीज करनी चाहिए। वजीर इत्तला'आत गुस्से से लाल पीले चल पड़े। सूबाई वजीर के रवैये से सहाफी नाला, फियाजुल हसन चौहान की गाड़ी का गहराव करके एहतजाज किया। वजीरे इत्तला'आत का सहाफियों से रवैया, पीपल्स पार्टी ने मजम्मत कर दी। फियाजुल हसन चौहान की तरबियत में इखलाकी कमी रह गई, सहाफियों से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। LDACT में प्लॉटों की गैर कानूनी फरोख का मामला, चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का केस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी बंद करने का हुक्म नहीं दिया, इंक्वायरी शवाहिद की अदम दस्तयाबी पर बंद की गई, तर्जुमान नैब। VVIP सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नर पंजाब पहले नंबर पर। चौधरी सर्वर की सिक्योरिटी पर कुल 111 पुलिस एहलकार तायुनात। वजीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए कुल 4 एहलकार तायुनात। महकमा दाखिला ने भी पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश कर दी, इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। शहर की जेलों में बंद कैदियों को दोहरी सजा, इलाज मुआवजे की सहूलियात का फुकदान। मूजी अमराज की कैद भी काटने पर मजबूर। सेंट्रल जेल में 19, डिस्ट्रिक्ट जेल में 15 कैदी एड्स की बीमारी का शिकार। हेपेटाइटिस, TB और दीगर मूजी अमराज के मर्ज भी लातदाद। महकमा जेल खाना जात की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया।
खबरदार होशियार, हैकर शहर में सरगर्म, लोग बैठे बिठाए कंगाल होने लगे। शहरियों की ऑनलाइन और एटीएम कार्ड में रकम के सफाई का फ्रॉड जारी। जोहर टाउन का शहरी अकबर 6 लाख गवा बैठा। अकबर के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। सदाकत नामी शख्स के भी 25 लाख गायब। एफआईए में शिकायत के अंबार, शहरियों की दादरसी ना हो सकी। लूटने वाले बैंकों और एफआईए के दरमियान शटल कॉक बनकर रह गए। लाहौर के व्हाइट हाउस की बुनियाद ही रखी गई खराब। खोखर पैलेस की तामीर में काली नियत, गड़बड़ घोटाला। 7 मोजा जात का 1 मोजा बनाया गया। इंतकाल कवानीन के बरक्स हुआ। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मुकम्मल। मजीद इंकशाफात से पर्दा उठ गया। मोजा जात का इंजमात खारिज किया जाए। तहकीकाती टीम ने महकमेमार को सिफारिश कर दी। खोखर बरादरान की एक मरतबा फिर अदालत पेशी। सेशन कोर्ट ने अफजल खोखर, सैफुल मुल्क खोखर और शफी खोखर की पूरी जमानतें मंजूर कर ली। 19 जनवरी तक पुलिस से रिपोर्ट तलब। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तिब्बी हालत, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत मंजूरी की दरख्वास्त की तैयारी। वकला की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमानत का ड्राफ्ट तैयार। दरख्वास्त जमानत आइंदा चंद रोज में लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। करप्शन इल्जामात को बुनियाद नहीं बनाया जाएगा। जराए वफाकी वजारत कानून की शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतलिक केस की तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मरासला इरसाल। केस के फैसले की कॉपीज जल्द अज जल्द फराहम की जाए। वफाकी वजारत कानून शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस सिरे इल्तवा हैं। तवानाई का बहरान, ऊपर से महंगाई के घेरे, आवाम फंस कर रह गयी। टमाटर की कीमत का सुनकर ही रंग लाल। 20 से 30 रुपए फी किलो सरकारी रेट, लेकिन 60 रुपए से कम नहीं बिक रहा। हंडिया की बुनियादी जरूरियात महंगी होने पर शहरी चकरा गए। टमाटर ने तो हद ही मुका दिया, अभी भी हमने लिए और बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर। टमाटर जो है वो 60 रुपए हो गए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सारी तकरीबन सब्जियां महंगी हो गई है। 30 रुपए किलो से अब 60 रुपए हो गए हैं, तो अब हर हांडी में डालना है, हर चीज में डालना है, तो अब आम किधर जाए। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर गंदगी और ताफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका है, कूड़े और गंदगी की फौरी फोटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के नंबर पर। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। हर जिले में पनागाहें बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने इंडिया दे दिया। कहते हैं महिला वार प्रोग्राम के तहत हर जिला में पनागाहें तामीर की जाएंगी। लाहौर की पनागाहों में एक ही रात में 189 अफराद का क्याम। मजंग टीचिंग अस्पताल में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया। एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। साल के आखिर तक सूबे भर में हेल्थ कार्ड तकसीम कर देंगे। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की याद में तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, काजी हुसैन अहमद के साहबजादे आसिफ रुकमान काजी और दीगर की शिरकत। तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। काजी हुसैन अहमद बड़े इंसान थे। सिराजुल हक यादों से जुड़ा वाकया बयान करते हुए आप दीदा हो गए। साले नौ में महकमा एक्साइज के पुरकशिश नंबरों की नीलामी। शहरियों ने मनपसंद नंबरों पर दिल खोलकर रकम खर्च की। LE1 11 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। 786 नंबर 3,03,000 में बिका। और कायदे आजम ट्रॉफी ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट 11 जनवरी से शुरू। टॉप कॉमिक क्रिकेटर एक्शन में दिखाई देंगे।